एवरीबॉडी, मैं हूं विशाल द वाइब्रेंट विशाल। आप देख रहे हैं चैनल यार इन द कार। देखिए, ईवी का ज़माना आ चुका है और उसको लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी एक्सपोज लग रहे हैं, ईवी एक्सपोज लग रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ईवी का क्या फ़ायदा है और कितना जल्दी हमें सबको ईवी पे स्विच कर जाना चाहिए। उसी के लिए मैं आ रखा हूँ यहाँ पर रेव 2023 रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जीबिशन चंडीगढ़ के अंदर, और वहाँ पर लग रखी है ये ईवी एज मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार्गो। सोचा आपको दिखाऊं अपने वीडियो के माध्यम से। जो ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे वो इसका फ्रंट प्रोफाइल है, जो बड़ा ही स्मार्ट बनाया यार। आप खुद देखिए, एक इलेक्ट्रिक है बट क्या स्मार्ट वैन वाला इसका लुक दिया हुआ है। ये देखिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा हुआ है यहाँ पर, एक नीचे वो हैलोजन है और टर्न इंडिकेटर वो भी हैलोजन है बल्ब। सेंटर में ये इनका लोगो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हील बेस 2700 mm ओवरऑल लेंथ, 5310 mm ओवरऑल विड्थ, 1740 mm ओवरऑल हाइट, 2250 mm अनलेडन, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है, टर्निंग रेडियस 6 मीटर का सिर्फ। कार्गो बॉडी लगी हुई है 11.6 फीट की। बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी है 21.6 किलोवाट की। नॉमिनल वोल्टेज 72 के करीब ही लेगा। मैक्सिमम पावर 18.3 किलोवाट, मैक्सिमम टॉर्क 114 Nm का। डीसी चार्जिंग टाइम सिर्फ 20 मिनट। अरे वाह, 20 मिनट में डीसी चार्जर से ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी जनाब। आइए पूरे दिखाता हूँ है कैसे। ये देखिए, तो ये है वो पूरा कार्गो। मतलब अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सामान इधर से उधर ढोना पड़ता है, लादना पड़ता है, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिक कार्गो आप खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकेशन मैंने बताई है, तो ये देखिए पूरा पीछे का जो इसका कैरिज का है वो कितना बड़ा है। ईवी एज मोटर्स, ये पीछे भी एलईडी सेटअप में टेल लाइट है। यहाँ पर स्पेयर व्हील आप देख रहे हैं। नीचे इसकी बैटरी लगी हुई है। सस्पेंशन के लिए ये देखिए, ये जो पहले आया करते थे कमानी वो है। बड़ा टायर है, सीएट का लगा रखा है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/75R15 इंच का टायर है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और बैटरी सेटअप दिखाऊँ मैं आपको नज़दीक से। ये देखिए, ये इसकी बैटरी। अंदर से बिल्कुल बेसिक और सिंपल रखा गया है, बिकॉज ये कार्गो है। हो सकता है ये बाद में इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बना दें, बट अभी तो आपको बिल्कुल सिंपल देखने को लगेगा। बिल्कुल बेसिक सिंपल दिया गया है, बिकॉज ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता कार्गो वालों को जिन्होंने चलाना होता है। बट हाँ ठीक है, सीट्स कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो मुझे ठीक लग रही हैं। रिक्लाइनिंग एंगल भी ठीक है सीट का। ये एक शॉर्ट वीडियो था दोस्तों, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कार्गो भी आ चुका है। अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है, हर एंगल में, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है, चाहे वो पर्सनल कार है, चाहे वो कार्गोज हैं, उसमें भी कंपनियाँ सोच रही हैं कि वो भी इलेक्ट्रिक पर स्विच हो जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्बन एमिशन पे काबू पाया जा सके। चंडीगढ़ ने ये बीड़ा उठाया है, वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम कार्बन एमिशन में जितनी कमी कर सकें वो उतना बेस्ट होगा। आपका क्या राय है? आप कब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पर, और आप कब चाह रहे हैं अब कार्बन एमिशन कम करने में अपना योगदान देने के लिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी देखते रहें चैनल यार इन द कार। खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, and drive safe.